स्टूडेंट्स, आज का क्लास है वर्ग और वर्गमूल अध्याय 5 क्लास 8 क्लास का है। इसके पहले क्लास में वीडियो में 3 तक पढ़ा चुके हैं और चौथा जो है अध्याय ग्राफ से रिलेटेड है, पाई चार्ट है, जो ग्राफ के कॉपी पर ग्राफ बनाना पड़ेगा। जो इस लेसन को अभी रोक कर रखते हैं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद अध्याय 5 में है वर्ग और वर्गमूल। हमारे पश्चिमी चंपारण में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो रटवाते हैं कि एक का अगर स्क्वायर कीजिए तो इसका मतलब है कि एक गुना एक बराबर एक होता है, अगर दो का स्क्वायर करते हैं इसका मतलब है कि दो गुना दो इक्वल टू 4 होता है। इसी तरह पश्चिमी चंपारण के टीचर लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर वो लोग क्या करते हैं, रटवा देते हैं कि रट लीजिए और इसी से एग्जाम में क्या कीजिएगा दीजिएगा तो आप लोग पास हो जाइएगा। अगर कहीं कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि 103 का स्क्वायर कितना है तो लगता है स्टूडेंट लोग पक पक मुंह बने कि अब होगा कैसे। इसीलिए एक ही तो थ्योरी है कि वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से कहीं भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। एक ही लास्ट थ्योरी है कि अधिक है तो अधिक करें, इसका मतलब है कि अगर 20 तक आप लोग से बन जाता है तो जैसे यहाँ पर दे दे कि 103, इसके पहले एक लाइन देख लीजिए, 10 में 10, 100 में 20, 1000 में 30 और 10000 में 40, ऐसा ही होता है। हम लोग को सन्निकट में आप लोग पढ़े होंगे पांचवा, तीसरा दूसरा ही सन्निकट में नियरेस्ट 1000 उसी को सन्निकट में कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 103 का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो नियरेस्ट किसका है, सन्निकट 100 का है, तो 100 से कितना अधिक है 3, तो 3 अधिक है तो 3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 9 होगा, और 100 से कितना अधिक है 3, जितना अधिक रहेगा उतना ही क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 103 है, 3 और जोड़ लेंगे कितना होगा 106 हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए, अगर 104 कोई कह देखिए स्क्वायर लिखा, सॉरी यहाँ पर जो स्क्वायर हम निकाले थे अभी हम फिर एक बार और रिपीट करते हैं कि यहाँ पर लिखे थे कि 9, उसके बाद लिखे थे यहाँ पर 106 लिखे थे। ठीक, लेकिन आप लोग के हम जानते हैं कि गलत है, इसलिए लिखे थे कि आप लोग पकड़ते हैं कि नहीं, ठीक ना, गलत है। देखिए अब सही बनाते हैं, जब हम क्या करेंगे 100 से अधिक 3 है तो 3 स्क्वायर करेंगे 9 होगा, लेकिन हम जानते हैं 100 में 20 तो हमेशा 2 यहाँ पर अंक होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए, तो 2 डिजिट हो गया। अब 103 है, 3 अधिक है 100 से तो क्या करेंगे 106, उसी तरह यहाँ पर देखिए क्लियर हो जाएगा, आपका सस्पिशन दूर हो जाएगा। यहाँ 104 लिखा हुआ है, 4 अधिक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 होगा, 100 में 20 तो यहाँ 2 अंक हो गया। अब यह 104 है, 100 से 4 अधिक है तो 100 का हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 105 का स्क्वायर कोई कह दे तो 50 25, लास्ट वाला इकाई अंक है ना इसी का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 100 में 20 तो 2 अंक हो गया, 105 है आप 5 और जोड़ दें तो कितना होगा 110 हो जाएगा। उसी तरह कोई कहे 106 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 100 में 20 तो 2 अंक हो गया, 106 है और 6 और जोड़ देंगे कितना होगा 112 हो जाएगा, यहीं आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी को याद कर लीजिए, अधिक है तो अधिक करें, जब अधिक जितना रहेगा उतना और क्या करेंगे हम जोड़ देंगे बन जाएगा